हेलो, राम राम जी। सारा ने सारा किया, उम्मीद करूँ सारा बहुत ही बढ़िया हो। डल ऑफिशियल व्लॉग में थारो एक बार फिर स्वागत है नई वीडियो में। तो आज मैं थान चावलों के लड्डू बनाने सिखाऊँ। तो ये सब पहला मैं चावल लिया, बने धो लिया, धोने के बाद सुखाया और सूखने के बाद पीस लिया। तो ये चावल पीसेड़ा है मेरा और इन्ना एज का ट्रे में ये मेरा ड्राई फ्रूट पीस के रखेड़ा है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, सारी थाने प्रोसेस दिखाऊंगा इंगी कि चावल का लड्डू है जो किया बनाया मैं। तो इंग अंदर मतलब ड्राई फ्रूट है, आपकी इच्छा अनुसार जिया डालना अभी डाल लियो। और इनमें घी चाहिए, ज्यादा घी भी कौन लगा चावल का लड्डू बनावा। तो इनने मैं कढ़ाई और ये सारा सामान रख रखे हैं और चीनी पीस के रख रखी है। तो अट्ठे में गैस पर बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें बूंदूंगा आटे ने, मतलब इन्हें सफेद ही राखनो है, ब्राउन कौन करना है वो कलर। तो इन्हें 10-15 मिनट तक हल्को हल्को भून लेवे और आटो सिक जे तो फिर इन अंदर घी डाल लीजिए। तो थे वीडियो में कंटिन्यू बने रहे थाने एंड तक, तो थाने पता चल जी कि चावलों का लड्डू है जो किया बने। तो अठे वो घी है, तो मैं वीडियो बनाऊं सग सगे तो मेरे लिए थोड़ा सो हार्ड काम हो जाए। तो अठे मैं घी डाल लियो है इंग अंदर। घी डालने के बाद भी कम कम 10-15 मिनट तक इन भूनना होवे। और भूनने के बाद इंग अंदर ड्राई फ्रूट है जी का भी, तो मैं ड्राई फ्रूट में काजू बादाम और गट्टे पीसेडो और सागे खारे के, तो ये चार चीज़ मिक्स करी है। और इलायची पाउडर भी, तो भी थोड़ा सो ज़्यादा टेस्टी बने। तो ये अठे मैं ड्राई फ्रूट भी डाल दिया इन अंदर और सारा ने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद में इन्हें थोड़ा सो और भूंद गए और इन अंदर चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद इन्हें थोड़ी देर और भूंद लेवे और फिर भी इन बाद इन्हें ढक के रख देवे। कमो कम 10-15 मिनट तक इन ढक के रखे। तो मतलब इनमें जो भी पानी की बूंदा हुआ नहीं जी की बे ऊपर मतलब प्लेट में आवे, तो इन अंदर थोड़ी नमी हो जाए, आप ढक देवा तो थोड़ी नमी हो जाए इन अंदर, ताकि लड्डू है भी बनने आसान बने। तो अठे में एकदम रेडी कर लियो है। और अब अभी भी देखो इन लड्डू कौन बने, क्यों इन अंदर थोड़ा सा दूध भी डालना पड़े। तो इन अंदर दूध इतो डाल है कि लड्डू है जिका आसानी हो बन जाए। तो इन अंदर मैं दूध डाल लियो है, वो तो मेरे अब कम रह जाएगा, तो मैं इन बाद में थोड़ा और भी डाल लियो। डालने के बाद इंगा मैं लड्डू बनाया। तो थे वीडियो कंटिन्यू देख लिया सारी और लड्डू बन गए, बहुत ही मस्त रेडी हो गया है। कि नहीं खाना हुआ तो आ जाइयो और सीखना हुआ तो सीख भी लियो, लड्डू बहुत ही बढ़िया बने हैं। और सगे मतलब कई बार यहाँ करड़ा बन जाए नहीं, मैं पिछली बार बनाया तो मैंने खांडगी जी चास नहीं बना के भी साबु बनाया, तो वे बहुत ज़्यादा करड़ा हो गया यहाँ। लेकिन अब की बार मैं दूध डाल के और ये साबु बनाया, तो लड्डू बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट पोला पोला, खाने के अंदर भी बहुत टेस्टी हाँ। तो किया लगी मेरी रेसिपी थे जरूर कमेंट करके बताइयो। और अठे हमारे बच्चे ने बनाई थी, देख लो दोपहर के टाइम में खेल आए, चार बहन भाई इकट्ठा हो रहे हैं, तो अठे बाल्टियां ले लेगी खेला, एक बाल्टी ले ली तो सारा रूम लग गया, तो ग्रंथ सारा ले ली तो एक सारा मम्मा लग गया खेलना। तो आगे वीडियो बच्चों की थी नहीं कंटिन्यू देखे, आगे बहुत ही मस्त मस्त वीडियो है, बहुत ज़्यादा प्राप्त करे। अगर एक बच्चे ने कोई चीज़ दे दिया नहीं तो फिर वे तीन हो रहे, नहीं तो बहाने बीसी की बीसी चाहिए, अगर बिट्टी की बिट्टी चाहिए, बिट्टी लड़ा है एक बहुत ज़्यादा। आठा देखो अने पापा तीन बहन भाई है, छोटा छोटा 10 दिनांग अंदर तीनों को जन्म मोइड वो। तो देखो एक जीता ही है पापा है नहीं, तीनों पकड़ी बांध दे, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगे पकड़ी बांध दे।
लेकिन थोड़ी सी देर बाद खुल गया। सुबह सुबह बता दिया सबको लगता है मेरे कंध पर बैठ के सारा त्रीस आज को सारूं बड़ा तो वहाँ और सारा मिंडा दिया और अट्ठे तक सरलक्स देखो राम लक्ष्मण की जोड़ी राम एक तो दोनों बहुत ही ज़्यादा शरारती है। अठे चाचा जी रंग नहीं टेंट की दुकान है तो बंगनी ड्रम और समानी अपड़े रहे तो ये बढ़ जाके खेलने लग जाए। तो सुबह सुबह ही दोनों भाई देखो ड्रम्स आगे खेलने लग गए हैं। तो हमारी वीडियो क्या लगी, अगर खाना बढ़िया लगी हो तो थे लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो और चिकन नया हो तो भी सब्सक्राइब भी कर लो थाना वीडियो का नोटिफिकेशन थाना मिलता है। डोल बुझा डोल। तो ठीक है जी देखो आओ कर लिया अच्छा कह ममता जी कर लिया अच्छा ममता जी कर लिया अच्छा।